व्हाट्स अप माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, कैसे आप लोग। सो आज हम आए हैं खुली खुली जगह में, खुली जगह में टू डिस्कस अवर डिस्क ब्रेक सेटअप कॉस्ट टुडे। तो पल्सर का हमने डिस्क ब्रेक सेटअप बिठाया पूरा, तो कितना प्राइसिंग आया, क्या क्या चीज़ें लगी और आपको कैसे इंस्टॉल करना है ये सब। तो आज हम ये पार्ट करेंगे, काफ़ी दिनों से ये वीडियो पेंडिंग था। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द मेजर थिंग, आपको क्या चाहिए डिस्क ब्रेक सेटअप के लिए। के पुराने जो यामा के शॉक अप्सर जो है वो किसी काम के नहीं है। वी नीड टू न्यू पाइप्स और द ओल्ड वन। पुराने पाइप्स आपको लगेगी अगर नए नहीं मिलते हैं तो। मैंने क्या किया था, मैंने ये पूरा सेटअप लिया था पाइप का, दिस वन एंड दिस वन, द शॉक अप एंड द बॉटम बोथ फ्रॉम नानापेट। ये मुझे पड़ा 1400 रुपीज़ में पूरा भर के। वो शॉक अप वाला था तो उसने पूरा ऑयल बिल, ऑयल सील सब रिप्लेस करके पूरा चकाचक करके दिया मुझे 1400 रुपीज़ में। वो 1600 बोल रहा था, सो आई हैव नेगोशिएटेड एंड गेट दिस डन 1400 रुपीज़। अगर आप खुला खुला लेने जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आती है, बॉटम अलग आता है, पाइप अलग आते हैं, स्प्रिंग अलग आती है, फिर ऑयल सेल अलग आता है, ऑयल अलग आता है। तो ये सब लेने से अच्छा अगर आपको पूरा डायरेक्ट पाइप असेंबली मिल रहा है विदाउट टी, तो आप वो ले लो। सेकेंड हमने लिया ये होस पाइप। ये होस पाइप यहाँ से जाके इधर आता है, ये मुझे पड़ा 440 रुपीज़ का ओरिजिनल। तो मेजरली मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि मुझे ज़्यादा करके यूज़ पार्ट पसंद नहीं है। मैं जो भी लेता हूँ न्यू चीज़ लेता हूँ, नई चीज़ हो, अच्छी हो, बेटर हो। बट पाइप्स का कोई ऑप्शन नहीं था, पाइप्स मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ये यूज़ किया। बाकी पूरा सेटअप मेरा नया है। सो थर्ड है हमारा लीवर, फ्रंट ब्रेक लीवर, या आप उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर किट। सो ये मास्टर सिलेंडर किट हमको पड़ा 1250 रुपये में, 1250 रुपीस का ये मास्टर सिलेंडर किट पड़ा है हमको। द फोर्थ वन इज़ ब्रेक कैलिपर। ये ब्रेक कैलिपर है, हमने ये लिया, ये पड़ा हमको अराउंड 1200 रुपीज़ में। सो ब्रेक कैलिपर किट 1200 रुपीज़ में। सो फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ है डिस्क ब्रेक प्लेट। ये जो प्लेट आती है ना, हाँ, तो ये डिस्क ब्रेक प्लेट या कोई थाली बोलते हैं उसको, 1100 में थी, हमने डिस्काउंट करा के 1050 में ली उसको। सो सिक्स्थ है बोल्ट एंड वाइज़र। हमको बोल्ट एंड वाइज़र लगे जो है अराउंड 100 रुपये के आए, 100 रुपीज़ के। जो मेन पार्ट है जो मुझे थोड़ा तकलीफ मिला है वो ये पार्ट का, ये है ड्रम हब। ये व्हील हब नहीं है, ये ड्रम हब है। व्हील हब इधर आता है, उसको ये ड्रम हब अटैच होता है और उसके ऊपर डिस्प्ले बैठती है। मैं पहले ये इंटेंशन में था कि डिस्प्ले डायरेक्ट हब पे बैठती है, पर ऐसा नहीं है, प्लेट ड्रम हब पे बैठती है ना कि व्हील हब पे। तो ये जो ड्रम हब है हमको पड़ा 380 रुपीज़ में। सो एट वन इज़ द व्हील ड्रम। आठ नंबर का जो पॉइंट है हमारा व्हील ड्रम है। सो हमको ये व्हील ड्रम जो पड़ा है 680 रुपीज़ का, 680 रुपये का। सो ये व्हील ड्रम है। और जो पुराने स्पोक है, द नेक्स्ट वन इज स्पोक। पुराने जो यामा के जो स्पोक है जो आगे पीछे के सेम रहते हैं वो इसमें नहीं बैठते, इसमें पल्सर के आपको स्पोक डालने पड़ेंगे। अगर आप पल्सर का हब डाल रहे हो डिस्क ब्रेक के लिए तो जो सारे स्पोक है आपको पल्सर के डालने पड़ेंगे। मेक श्योर यू हैव टू बाय ऑल दिस पार्ट्स फॉर द ओल्ड पल्सर। मैं अभी पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको ओल्ड पल्सर का, नॉट द DTS-A1, उससे भी पहला फर्स्ट जनरेशन गोल्ड हेडलाइट वाला जो पल्सर आता है उसका सारा स्पेयर पार्ट्स लगेगा डिस्क ब्रेक सेटअप के लिए। और उसके बाद हमने स्पोक को क्रोम कराया है, तो मुझे क्रोमिंग के लिए लिया था 180 रुपीज़ और 50 रुपीज़ फॉर बफिंग। तो कोई भी अगर मेटल पार्ट कराते तो उसको पहले बफ करते फिर उसके बाद उसको क्रोम करते, तो अराउंड 230 रुपीज़ मुझे बफ और क्रोम के लिए लगे स्पोक्स के लिए। उसके बाद अबाउट द पेंटिंग पार्ट, वो तो हमने एक साथ गाड़ी के साथ किया था। ये गोल्ड कलर में हमने पेंट किया है, ये गोल्ड कलर में पेंट किया है, इसको हमने सिल्वर में पेंट किया है। बट दैट इज़ अगेन वेरी, अगर आप सिर्फ इतना ही पेंट करा रहे हो तो आप पेंटर वाले से डिस्कस कर लीजिए कि आपको पेंटिंग का कितना खर्चा आने वाला है। डिपेंड ऑन द पेंटर, वो कितना कोट करता है आपको, दैट यू कैन नेगोशिएट विथ हिम।
सो द नेक्स्ट वन इज द मीटर ड्राइव। ये भी हमको पल्सर का मिला, पल्सर का ही बैठता है इसमें। ये पल्सर का मीटर ड्राइव है, ये 250 रुपीज़ का आता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीडोमीटर केबल, स्पीडोमीटर केबल 150 रुपीज़ की आती है। एंड द लास्ट वन इज द एक्सेल, आपको पल्सर का एक्सेल लगेगा इसको, यामा का एक्सेल बैठेगा नहीं, अगर बैठ गया तो बेटर है, बट हमने एक्सेल नया लिया था, वो भी 150 रुपीज़ का। सो दैट्स इट, दिस आर द कॉस्टिंग ऑफ आवर पार्ट्स विच वी इंस्टॉल इन आवर यामा RX 135। सो बस यही है, यही सारे स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट है जो अभी हमने बताए हैं, और टोटल अगर आप करोगे इसका तो 7530 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आता है सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का। उसके बाद अगर आप उसको पेंट करा रहे हो, देन अगेन इट विल इंक्लूड 1000 to 2000 रुपीज़, अगेन इट विल वेरी ऑन द पेंटर। और उसके बाद अगर आप ये मैकेनिक से करा रहे हो तो मैकेनिक भी लेगा कम से कम 1500-2000 रुपये टू इंस्टॉल दिस सेटअप। मेरा तो मैकेनिक मतलब मेरा दोस्त ही है, तो उसने तो बहुत चिप में करा के दिया, थैंक्स विजय फॉर दैट। सो तकरीबन पेंटिंग अगर ऐड कर लो और प्लस आप मैकेनिक का अगर अंदाजन 1500-2000 वो लेगा तो तकरीबन 11000 से 12000 रुपये आपको लगेगा, सिर्फ 7500 रुपये आपको लगेगा स्पेयर पार्ट के लिए, वो सारे नए के लिए। सिर्फ मैंने पाइप्स यूज़ लिए थे, दैट मेक श्योर, बाकी सारा सेटअप मैंने नया लिया है। अभी द मेन पॉइंट इज़ हाउ टू इंस्टॉल दैट। उसके लिए आपको ये जो टी आते हैं, टी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पल्सर का ओल्ड पल्सर का जो सस्पेंशन है, शॉकअप है, फ्रंट शॉकअप है, ये डायरेक्ट फिट होता है इसमें। नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन फॉर दिस। अल्ट्रेशन किधर लगेगा, मडगार्ड में लगेगा, ये जो बोल्ट आते हैं इधर, यहाँ जो बोल्ट बैठते हैं उधर 10 नंबर का होल रहता है मडगार्ड में, तो आपको उसको 12 करना पड़ेगा ड्रिल करके, दैट्स दैट इज़ द ओनली अल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बाकी सारा सामान डायरेक्ट फिट हो जाता है इसमें। सो बस इतना ही गाइस, मैंने पार्ट्स कितने में आते हैं, कॉस्ट कितना आता है, फिर उसके बाद ये कैसा डायरेक्ट फिट होता है या नहीं होता है, ये मैंने सारा कवर कर लिया इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर आप देखो, अगर आपको बिठाना है, इट्स योर चॉइस। बाइट काफ़ी अच्छा है इसका, पल्सर का लोग बोलते हैं पल्सर में बाइट नहीं मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं है, बाइट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे। ऑफकोर्स इसमें RX किंग का भी एक सेटअप आता है डिस्क ब्रेक का, बट दैट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। और उसके बाद नंबर वन जो सेटअप आता है ग्लैडिएटर का, तो इशू इज़ ग्लैडिएटर का जो व्हील हब होता है ये वाला, ये मिलता नहीं जल्दी, आपको उसके लिए काफ़ी ढूंढना पड़ता है, इन द सेंस काफ़ी टाइम लगता है। व्हील हब अगर आपको मिल गया तो सारा सामान मिल भी जाएगा, व्हील हब मिलना ज़रूरी है। सो ग्लैडिएटर इज़ ऑलवेज द बेस्ट, बट द सेकेंड ऑप्शन इज़ द पल्सर वन, ये जल्दी मिल जाता है आपको और मोस्टली आपको सारा नया सामान मिलता है इसमें। इसमें एक और भी ऑप्शन कर सकते हैं आप, जैसे विजय भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो स्क्रैप वाली पल्सर जो होती है, नॉट द DTSI 1, तो ओल्ड वन, अगर स्क्रैप में अगर आपको मिल रही है 6000-7000 रुपये में, तो आप उसका फ्रंट डिस्क ब्रेक का सेटअप आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और बाकी की गाड़ी आप स्क्रैप करके आपको 2000-3000 रुपये मिल जाएंगे, तो वैसे आपको पुराना सेटअप 3000-4000 रुपये में मिल जाएगा, और उसको आप नॉर्मली घर पे स्प्रे पेंट से कलर करके अगर आप फिटर से फिट करा लोगे तो 5000-6000 में पूरा खर्चा निकल जाएगा आपका। या फिर डिस्क ब्रेक सेटअप पुराने मार्केट से अगर मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, सबके अपने अपनी चॉइस है। जैसे बहुत लोग RX 100 चलाते, बट मेरी चॉइस टू ड्राइव 135, मुझे 135 ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा लाउड नॉइस नहीं पसंद है, बट RX का मज़ा भी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सॉरी फॉर द विंड नॉइस, बट क्या करें, समटाइम वी हैव टू एडजस्ट फॉर समथिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट ब्लॉग।